मुंबई के बांद्रा इलाके के रंग शारदा हॉल में रब्बानी फाउंडेशन के द्वारा ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के सभी बड़े बड़े सूफी संत, आचार्य, इतिहासकारों ने भाग लिया। इस दौरान मुंबई व महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में इन सूफी संतों को सुनने के लिए लोग आए थे। हम आपको बता दें कि भारत में एकता और शांति बनाए रखने के लिए, देश में समता और समानता का पैगाम फैलाने के लिए सूफी संतों और महापुरुषों ने इस कार्यक्रम के द्वारा संपूर्ण विश्व को अध्यात्म का अमर संदेश दिया। इस कार्यक्रम में देश के अंदर चल रहे गतिविधियों को देखते हुए सभी ने अपना विचार मत रखा। इस अवसर पर राज्य मंत्री आशीष शेलार, मुंबई महापौर विश्वनाथ महादेश्वर, जैन मुनि आचार्य डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर राम पुनियानी व रब्बानी फाउंडेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी व इमरान अंसारी मौजूद रहे। सूफीज में एक ऐसा धर्म है या एक ऐसा जो कहें कि एक अदारा है कि वो उस सूफीज के माध्यम से इंसाफ और इंसानियत और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। सूफीज्म ने हमेशा इस देश की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत किया है। यहाँ आपस में मोहब्बतों का पैगाम दिया है देश में, और आप देखते हैं कि बड़ी तादाद में जो सूफियों की दरगाहें हैं उस पर गैर मुस्लिम भी बड़े तादाद में जाते हैं। आज ये सूफी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ का मैसेज दिया गया है कि देश में सबको मिलजुल के रहना चाहिए, देश में मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए और अमन के साथ रहना चाहिए। यही इस सूफी कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। आज मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादातर लोगों की जो राय थी वो ये थी कि ये खाली बम्बई में नहीं देश के दूसरों हिस्सों में भी होना चाहिए, इसकी बहुत आज के वक्त में बहुत ज़रूरत है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में और हमारे देश में भी आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं, जिस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है, इस टेररिज्म को सिर्फ सूफिज्म के ज़रिए ही काउंटर किया जा सकता है। सूफिज्म एक वाहिद ऐसा तरीका है जो टेररिज्म को काउंटर कर सकता है। इसलिए जो मौजूदा हालात हैं पूरी दुनिया में टेररिज्म जिस तरह से फैल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की सूफी कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है। और जो देश में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएँ बढ़ी हैं या आतंकवादी लोग आतंकवादी घटनाएँ कर रहे हैं, उनको भी इस सूफी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश गया है कि बंदूक और गोले से कोई हल नहीं हो सकता है, सिर्फ आपसी मोहब्बत भाईचारे से ही किसी बात का हल निकाला जा सकता है, और उसका एक वाहिद तरीका है सूफी। सूफिज्म देश से मोहब्बत करने का तरीका है। सूफिज्म ये दावत देता है कि देश में किस तरह मोहब्बत हो, देश में इंसान एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करें, देश में हिंदू मुसलमान किस तरह से आपस में मिलजुल रहें, ये सूफिज्म के ज़रिए संदेश दिया जा सकता है। इसलिए इस बात को बहुत बढ़ाना नहीं चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं। आज पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल है, उस माहौल में जो ये ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से मोहब्बत का, शांति और अमन चैन का, भाईचारा का विचार जो सामने आए हैं, ऐसे विचारों की पूरे देश में जरूरत है, पूरी दुनिया में जरूरत है। और मैं समझता हूँ अभी ऑल इंडिया सूफी कॉन्फ्रेंस ये बम्बई की धरती पर हुई है, इस कॉन्फ्रेंस के संदेश को लेकर के और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के हमें देश के प्रत्येक स्टेट में जाना चाहिए और ये एकता भाईचारा के संदेश को फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी जिसकी संस्कृति है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और जिस तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, ऐसे के अंदर दुनिया की बहुत सी ताकतें जब देश को कमज़ोर करना चाहती हो और समाज के अंदर नफरत और विघटन पैदा करना चाहती हो, ऐसे माहौल के अंदर हम सबका ये कर्तव्य और दायित्व है कि ये सूफी कॉन्फ्रेंस जैसी कॉन्फ्रेंसें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में होनी चाहिए, और बल्कि मैं तो कहूँगा केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में। जिस तरह का इस समय माहौल है, आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, जहाँ कहीं भी दृष्टि डालें, ऐसे माहौल में ऐसी कॉन्फ्रेंस की बहुत ज़रूरत है। और मैंने रब्बानी फाउंडेशन को
धन्यवाद देते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि आगामी कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि वो भी इससे जुड़े और प्रेरणा लेकर के इस भाईचारे का, इस एकता का, इस अमन का, इस शांति के संदेश को पूरे देश में फैलाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, किंतु ये भी सच है कि डेवलपमेंट के लिए भी पीसफुल एटमॉस्फियर चाहिए। जब तक समाज के अंदर सद्भावना का माहौल नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो शांति का संबंध जो है वो रोटी के साथ है, शांति का संबंध समाज की सद्भावना के साथ है। ऐसे के अंदर इस सूफी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा मूल्य है और ये कॉन्फ्रेंस अभी जो आज बम्बई से शुरू हुई है देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचनी चाहिए और उसके अंदर हमें सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को भी जोड़ना चाहिए, सामाजिक संगठनों को जोड़ना चाहिए। उसी से हमारी ये बहुलतावादी संस्कृति, अनेकता में एकता की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। इसलिए मैं पुनः रबानी फाउंडेशन को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके इस विचार की सराहना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। देखिए, हम गवर्नमेंट को भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग मस्जिदों से, जो खानकाहों से, जो दरगाहों से जुड़े, वो अमन पसंद है। इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है हम उसी को मैसेज देंगे इसीलिए। और जो यहाँ के लोग हैं, लोकल्स लोग हैं, हमें उन्हें बताना है, अपने देशवासियों को, तमाम लोगों को बताना है और यही मात्र प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं। तो हमने उनको बुलाना ज़रूरी समझा, हमने उनका आदर किया और हम खुशनसीब है कि वो आए और हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में आए। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल था कि जब मुझको हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आती है, तो हमने एक सूफियों ने सोचा है कि जब भी यहाँ का माहौल ख़राब होगा, गर्म होगा, तो सूफियों ने उस माहौल को ठंडा किया है। तो हमने ये एक सोच देना चाह रहे हैं कि जब कभी माहौल ख़राब होगा तो सूफिया अपनी खानकाहों से निकलेंगे, अपनी दरगाहों से निकलेंगे, अपनी गद्दियों से निकलेंगे और लोगों को मोहब्बत का, अमन का, शांति का पैगाम देंगे। मैंने सुना जैसे माइटी कमीशन के चेयरमैन साहब कह रहे थे कि कुछ लोग कोशिशें करते हैं, है ना, ताकि सद्भावना ख़राब हो, आपसी मेलजोल जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है ख़राब हो, ख़राब करने की कोशिशें करते हैं, चाहे किसी भी एतबार से, चाहे कोई हो। हमारा ये लव का, पीस का मैसेज देना है, हमें किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है। मन बदलने की आपने बात की, तो मन बदलने को कहते हैं अरबिक में, जो सूफियों के टर्म में कहते हैं उसको तज़किया। तज़किया मतलब मन को साफ़ करना। तो सूफियों ने कभी मरीज़ को के ऊपर नज़र नहीं की, मर्ज़ के ऊपर नज़र की कि उसका प्रॉब्लम क्या है। जब तक अंदरूनी सफाई होगी तभी ये बुराई अंदर से निकलेगी, मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें ख़त्म होगी और ये सूफिया बड़ा काम कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात जो है यहाँ पर, क्या मुसलमान जो कौम है वो अमन, पीस का प्रति है, ये कभी टेररिज्म का प्रति नहीं है, पर लोगों का देखने का नज़रिया बदलते जा रहा है और बिन वजह पर। हालांकि इस कौम का जो मैसेज है, आप सुनो, का जो मैसेज है इस कौम के, का जो मैसेज है आलम के लिए, वो अमन है, पीस है, ह्यूमैनिटी है, भाईचारा है। हर मज़हब के साथ अच्छे अखलाक, हुस्न अखलाक, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम चाहते हैं सूफी कॉन्फ्रेंस, जो सूफी कौन है, सूफी की मुराद ये होती है, मैं आपको बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो सूफीज़म जो है, सूफीज़म का मामला ये है, सूफी या तो सूरज का माइंड समझ लो आप, या समंदर। सूरज जब आसमान पे निकलता है तो कभी वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू का घर है, ये क्रिश्चियंस का घर है, ये सिख का घर है या ईसाई का घर है। वो सबके घरों पे एक तरीके से एक रोशनी देता है। तो उस तरीके से सूफी जो है, सूफी के वहाँ आप दरगाह पे जाओगे तो सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आपको मिलते हैं। वहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, क्योंकि सूफीज़म का मतलब इंसानियत होती है। उस तरीके से सूफीज़म को आप समंदर की माइंड दे ले। समंदर जो होता है वहाँ पर कोई भी जाता है अपना पानी भर लेता है और ले आता है। समंदर कभी ये सोच के पानी नहीं देता कि हिंदू को देना है या मुसलमान को। समंदर सबके लिए खुला है, सूफीज़म सबके लिए खुला है। सूफी एक विचारधारा है जो अमन और अमान को रिप्रेजेंट करती है। तो इस अमान और अमान की जो परंपरा है, जो रिप्रेजेंटेशन है, हम चाहते हैं पूरे लोगों तक पहुँचे कि सूफीज़म का पैगाम क्या है। हिंद में अमन रहे, हमारे मुल्क में अमन शांति रहे, मुल्क तरक्की करे और सूफीज़म एक प्लेटफॉर्म रहे तरक्की होने का। यहाँ पर आपने देखा ऋषि मुनि है, डॉक्टर साहब है, यहाँ पर तमाम मजाहब के लोग हैं, मुस्लिम्स है, सिख है, क्रिश्चियंस है, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये सारे सूफीज़म का प्रतीक है। ये कोई एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये जो सूफीज़म को प्रेजेंट कर रहे हैं। और सूफीज़म एक सोच का नाम है जो हर एक मज़हब में है। और सूफीज़म जो दरगाहों से उनको मिलता है, जो सूफियों से मिलता है, उस मैसेज को आम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उस बिहाफ पे हमने ये सूफी कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हमारा अमन और अमान का जो मैसेज है वो डोर डोर हर किसी तक पहुँचे कि सूफीज़म क्या है।